इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के छात्र नेता सरजील इमाम की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। आपको बताते जाए कि विवादित वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस सरजील इमाम की गिरफ्तारी में जुट गई है। इस विवादित वीडियो को भाजपा नेता संबित पात्रा ने शनिवार को जारी किया था। इसमें सरजील इमाम हिंदुस्तान से असम को अलग करने और भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP आकाश कुलहरी ने सरजील इमाम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमों को लगाया है। SSP कुलहरी ने बताया कि हम दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सरजील इमाम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही अगली खबर आ रही है फतेहगढ़ साहिब से। अमृतसर नई दिल्ली रेल मार्ग पर सरहिंद के पास रेल हादसा हो गया। जम्मू तवी से आ रही पूजा एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन हुक टूटने के कारण बोगियों से अलग हो गया। इससे एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जम्मू तवी से गाड़ी संख्या 12414 पूजा एक्सप्रेस जयपुर जा रही थी। ट्रेन लुधियाना से 11:05 में निकली। इसका अगला ठहराव अम्बाला कैंट था। 12 बजे के करीब जब गाड़ी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सरहिंद से निकल रही थी, तो बरमान माजरा के पास इंजन का हुक टूट गया। इससे इंजन करीब 3 किलोमीटर आगे चला गया। इंजन के साथ पहली बोगी में खिड़की के पास खड़ा पठानकोट का 25 वर्षीय सतपाल सिंह नीचे गिर गया। उसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। रेल हादसे की सूचना मिलते ही अम्बाला कंट्रोल रूम पर अफरा तफरी मच गई। वहां से रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंजन और अलग हुई गाड़ी को सरहिंद रेलवे स्टेशन पर लाकर जोड़ा गया और अन्य खामियां भी चेक की गई। गायक सिद्धू मूसेवाला की ओर से हथियारों पर गीत गाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर एक समाज सेवी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की थी। मामले में शुक्रवार को सिंगर सिद्धू मूसेवाला आत्मनगर स्थित SCP जश्नदीप सिंह गिल के ऑफिस में इंक्वायरी में शामिल होने के लिए पहुंचा और सिद्धू के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद सिद्धू वापस चले गए। समाज सेवी की ओर से पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत 13 दिसंबर 2019 को फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया था। इसमें मूसेवाला और मनकीरत के इकट्ठे होने पर महफिल लगाने का टाइटल दिया गया है। धौलपुर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश पुलिस कर्मी पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। कोतवाली थाने में तैनात कॉन्स्टेबल मुकेश एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान आरोपी के परिजनों ने जमकर कॉन्स्टेबल की पिटाई कर दी। पिटाई के कारण कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिस कर्मी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। दरअसल कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल मुकेश शर्मा जब्ते के साथ NH3 पर स्थित जाहिद ढाबा के पास गुजर कॉलोनी में एक आरोपी गिरफ्तार करने पहुंचे थे। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल मुकेश घायल हो गए। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में गणतंत्र दिवस पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में 10 लाख से अधिक लोगों के जुटने का प्रदर्शनकारियों ने दावा किया था, लेकिन रविवार को यहां जुटे लोगों की संख्या 5,000 से भी कम रही। कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि उन्हें यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। प्रदर्शन स्थल पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के दिवंगत छात्र रोहित बेमुला की मां ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत ने अपने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ओकलैंड में भी अपना विजयी तिरंगा लहरा दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने लोकेश राहुल की दूसरे अर्धशतक की मदद से रविवार को यहां ईडन पार्क पर खेले गए दूसरे 2020 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इसी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की 2020 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले मैच में 6 विकेट से जीता था। फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे सत्यमेव न्यूज। और अगर YouTube पे आप हमारे
वीडियोस देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।